नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। आज के वीडियो हम सीखेंगे कि प्लस फोर के बिग फ्रेंड फॉर्मूले का यूज हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि हम फिंगर्स को एज अ एबेकस किस प्रकार से यूज़ करते हैं और किन नंबर्स को हम बिग फ्रेंड कहते हैं। इसके साथ ही हमने सीखा है कि प्लस नाइन, प्लस एट, प्लस सेवन, प्लस सिक्स एंड प्लस फाइव के बिग फ्रेंड का यूज़ हम कब और किस प्रकार से करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको नहीं मालूम है कि हम अपने हैंड्स की फिंगर को एज अ एबेकस किस प्रकार से यूज़ करते हैं और बिग फ्रेंड हम किन नंबर्स को बोलते हैं और बिग फ्रेंड्स फॉर्मूले की हेल्प हमें कब और किस प्रकार से लेनी पड़ती है, तो इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फिंगर एबेकस 0 to 0 चेक कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने आई बटन पर इन वीडियो का लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 होता है, वो नंबर एक दूसरे के बिग फ्रेंड कहलाते हैं। बिग फ्रेंड हम विद रिस्पेक्ट टू 10 लेते हैं। मान लीजिए हमको ऐड करना है 4, तो 4 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 10, तो हम कह सकते हैं कि 4 का बिग फ्रेंड होगा 6। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको ऐड करना है 4, लेकिन आपके पास इस वैल्यू की फिंगर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आपको एबेकस में कुछ फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जब भी हमको 4 ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे 10, क्योंकि हम बिग फ्रेंड लेते हैं 10 के रिस्पेक्ट में। जब भी हमको 4 ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे 10, और 4 का बिग फ्रेंड होता है 6, तो हम बिग फ्रेंड को सबट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम प्लस 4 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प कब और किस प्रकार से लेते हैं। तो प्लस 4 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 6। जब भी हमको 4 ऐड करना है तो हम क्या ऐड करेंगे, 10 को ऐड करेंगे, 4 का फ्रेंड होता है 6, 6 को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1, ये हो गया 1। हमको ऐड करना है 5, थम की वैल्यू होती है 5। नाउ हमको ऐड करना है 4 ऐड करना, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 फिंगर लेफ्ट हैं, तो ऐसे केस में अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी प्लस 4 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 5 प्लस 4, हमको ऐड करना है 4, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 फिंगर लेफ्ट है, तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी प्लस 4 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस 5 हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, प्लस 4, राइट हैंड में हमारे पास सिर्फ 1 फिंगर लेफ्ट है और हमको ऐड करना है 4, तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 प्लस 5 प्लस 4, अब हमारे पास कोई फिंगर लेफ्ट नहीं है तो हम हेल्प लेंगे प्लस 4 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले का, तो जो कि होता है प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 प्लस 4, राइट हैंड में हमारे पास सिर्फ 3 फिंगर लेफ्ट हैं, तो हमको 4 ऐड करना है, तो प्लस 4 के लिए बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 6 प्लस 5 हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, आंसर इज 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 5, 6, 7, हमको ऐड करना है 4, हमारे पास सिर्फ 2 फिंगर लेफ्ट हैं, तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी प्लस 4 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है प्लस 10 माइनस 6। ऐड करना है 8 प्लस 8, आंसर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये हो गया हमारा 9, माइनस 2, माइनस 2 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमको ऐड करना है 4 प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 11। 1 प्लस 8, प्लस 8 हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस 4 प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 13। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 10 माइनस 6, आंसर इज 11। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो हमने सीखा है कि प्लस 4 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले का यूज हम कब और किस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।